बोली एक्शन खा मेरी राजकुमारी। राजकुमारी हर इस पीड़न में। हाँ महेंद्र, सेब खाएगा? बागिन के पेट सेब खावे सनी भरत है चंपा, टाका डारन से भरत है। हाँ तो टाके भी डालेंगे। अच्छा, और कैसे डालेगी तू ये टाका पता है? अरे डाक डरन वाले राधे की बीहड़ छोड़े दो ही परनमासी हो गई है, और वो हरम सा हमारी किस्मत में अमावस की रात लिखा है। अगर चौहर को जो बात पता चली ना, तो अपने भेड़ियन को लेकर के अब भाई थमक जाओगे, यहां टाका डालेंगे। जौहर से मत डर महेंद्र, आमने सामने की लड़ाई में हम भी कम नहीं है, मैं जिंदा हूं अभी। औरतन की कुंडली में हुक्म चलाओ ना लिखाते चंपा, हुक्म बचाओ लिखाते है। और हमसे ना हो पाए तुम्हारा आदेश मानना, समझी? अरे तुम लोग भी सुन लो रे, अगर औरतन के हुक्म मानो को इतना ही शौक है ना, तो जाके घूमटा ओढ़ लो, समझे? महेंद्र ये क्या कर रहा है? तुझे बोला था ना मैंने, इस बीहड़ में नाम चाहे किसी का भी हो, राज हमारा होगा। राज तो अब लोकतंत्र को आ गए हो इस देश में चंपा, अब कौन करने दोगे तुम्हें राज, और कौन खाओगे तुम्हारी काली? सुन, अब इस बीहड़ में रहन के लाने तो तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते बचत है, या तो तू पांडी बन जा हमारी, नहीं तो अब भी कमर खोद दे हम इतनी तुम्हारी। अम्मा पे से बंदूक हटा, मार दूंगी तुझे अगर मेरी अम्मा को कुछ किया तो। नीचे रख बंदूक। तू पहले नीचे रख बंदूक, नहीं तो उड़ा दूंगी। ए चंपा, फिर संभाल अपनी मोड़ी को। ये देख, हम रख रहे बंदूक, ये रख रहे, देख सुन, अब तेरे पास दो रास्ते हैं, या तो तू एक औरत की गाली सुन या दूसरी की गोली खा, बोल। हाँ तो मंजूर है ना हमें? और महेंद्र, औरतन की कुंडली लिखने वाले मर्दों की कब्र औरतें ही खोदती हैं, समझा तू?